हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए, और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है, और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए, और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है, उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा दोस्तों। और एक बात, अगर आपको मेरा एजुकेशनल स्टॉक वॉलेट ज्वाइन करना है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वॉलेट में मैं हर वीकेंड में मेरी जो भी स्टॉक के ऊपर की स्टडी है आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। जो भी हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे वो इक्विटी सेगमेंट के लिए रहेगा। उस टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक सिलेक्ट करेंगे उसके सिलेक्शन के पीछे का रीजन, उसमें हमें कहाँ पे बाय करना है, टारगेट किस तरह से कैलकुलेट करना है, और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होने वाला है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करते रहते हैं। स्टॉक वॉलेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा, और स्टॉक वॉलेट में हम जो भी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है दोस्तों। अगर आपको फर्दर क्वेरीज रहेंगे तो आप नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, और एक बात कहना चाहूंगा कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप है उसे बहुत लोगों के रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए हमने वीडियो कोर्स में कन्वर्ट किया है दोस्तों। आपके सामने सिलेबस है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप सिलेबस देख सकते हैं, और अगर आप ये पर्टिकुलर वीडियो कोर्स में इंटरेस्टेड है तो मैंने नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग एंड चार्ट ऑब्जर्वेशन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये रिस्पेक्टिव वीडियो में हम कॉम्बिनेशन करेंगे पैटर्न्स का और इंडिकेटर्स का। दोस्तों, जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय हमें खाली एक ही चीज पे नहीं ध्यान देना चाहिए, बल्कि हमें अलग अलग चार्ट के ऊपर जो भी पैटर्न्स या एक मूवमेंट या मोमेंटम बनते रहता है उस पर भी हमें नजर रखनी पड़ती है, तो ही हम थोड़ा अच्छा खासा ट्रेडिंग कर पाते हैं। तो ये पर्टिकुलर वीडियो में आपको मैं इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी इंट्राडे चार्ट पे भी कोई पैटर्न बनता है तो वो भी किस तरह से वर्कआउट होता है, और जो भी पैटर्न बनेगा उसे हम थोड़ा टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ भी कॉम्बिनेशन करके करेंगे तो और भी थोड़ा बेहतर हो जाता है। अगर दोस्तों आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने में इंटरेस्ट है, आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आपको इसमें से कुछ तो अच्छा खासा सीखने को मिल जाएगा दोस्तों। और एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपका जीरोधा में अकाउंट नहीं है, और अगर आपको मेरे थ्रू जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड की है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उससे आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। उसी के साथ अगर आपको बुक्स में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे जो बुक्स पब्लिश हुए हैं स्टॉक मार्केट के बारे में अमेजोन पे, उसकी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। और अगर आपको मान लीजिए कि वीडियो जो कोर्सेस रहते हैं उसमें इंटरेस्ट रहेगा, तो यूडेमी एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी मेरे कुछ वीडियो कोर्सेस मैंने अपलोड करके रखे है, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे भी आप यूडेमी का जो लिखा है वहाँ पे क्लिक करके आपको यूडेमी का पेज सामने आ जाएगा, वहाँ पे आपको जो भी मेरे वीडियो कोर्सेस है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वहाँ पे भी आपको अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, लेकिन जो भी हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आपको वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अभी ये समझने के लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट ओपन करता हूँ, और चार्ट के जरिए समझ लेने की कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैंने टाटा मोटर्स का चार्ट लिया है, ये कैंडलस्टिक चार्ट है, और ये 10 मिनट का चार्ट है, यानी कि एक कैंडलस्टिक जो भी हमारे सामने है वो 10 मिनट की है, और टोटल ड्यूरेशन हमने जो भी चार्ट का लिया है वो 30 डेज का है, यानी कि पूरा ड्यूरेशन हमारा 30 डेज का है, राइट। तो
अभी जैसे कि हमारा टाइटल था कि हमें क्या करना है कि चार्ट का एक ऑब्जर्वेशन करना है कि चार्ट किस तरह से वर्कआउट होते रहते हैं। अभी जैसे कि हम चार्ट ओपन करते हैं तो चार्ट पे बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि चार्ट पे पैटर्न बनते हैं, चार्ट पे ही हम इंडिकेटर्स ड्रॉ करते हैं, चार्ट पे ही प्राइस एक्शन बनता है, चार्ट पे ही ब्रेकआउट बनते हैं। तो पूरी जो पूरा जो होते रहता है वो चार्ट पे ही बनते रहता है। तो अगर हमें चार्ट अच्छी तरह से समझ में आए, हमें प्राइस एक्शन समझ में आए, हमें पैटर्न के बारे में समझ में आए, हमें ब्रेकआउट समझ में आए और उसी के साथ हमें टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में भी समझ में आए, तो हम बहुत ही अच्छी तरह से पीसफुली इंट्राडे में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें भी हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करेंगे, मनी मैनेजमेंट करेंगे, तो और भी हमारी ट्रेडिंग बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन चार्ट पे जो मुझे दिखे हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा कि इंट्राडे में हम कौन सी चीजों का ध्यान रख सकते हैं ट्रेडिंग करते समय। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि ये कैंडलस्टिक चार्ट 10 मिनट का है, उसी के साथ हमने यहाँ पे एक टेक्निकल इंडिकेटर लिया है पिवट पॉइंट्स। अब ये जो पिवट पॉइंट्स है वो बेसिक पिवट पॉइंट्स है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पीपी लिखा होगा, ये पीपी जो है वो बेसिक हमारा पिवट पॉइंट है। उसके नीचे ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 है, और उसके ऊपर रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 है। जब भी कोई स्टॉक हमारे बेसिक जो पीपी पिवट पॉइंट है उसके ऊपर रहेगा तो हम कहेंगे कि वो उसके बुलिश मोड में है, और जब भी कोई स्टॉक उसके नीचे रहेगा तो हम कहेंगे कि वो बेरिश मोड में है। जब भी नीचे रहेगा हम सेल करेंगे, जब भी ऊपर रहेगा हम बाय करेंगे। हमारा टारगेट पहला रेजिस्टेंस रहेगा, इसे अगर ब्रेक करेगा तो और भी ऊपर जाएगा, इसे अगर रेजिस्टेंस कंसिडर करता है तो ये थोड़ा नीचे आएगा। उसी तरह से अगर यहाँ से नीचे रहेगा तो हम सेल करेंगे, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, ब्रेक करेगा तो ये नीचे वाले सपोर्ट के पास जाने की कोशिश करेगा, और मान लीजिए यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर से इसमें रिवर्सल आ जाएगा। तो इस तरह की मूवमेंट होती रहती है, इस तरह का ये पिवट पॉइंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये जो यहाँ पे इतना अगर आप चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिला है मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर आप पहले देखेंगे तो इस तरह से एक वर्टिकल रैली आई, उसके बाद इस तरह से कंसोलिडेशन हुआ, राइट। अब यहाँ से मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा। तो इसे देखेंगे तो ये मैंने ड्रॉ किया वर्टिकल रैली, और फिर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया कंसोलिडेशन। अगर आप इसे अच्छी तरह से देखेंगे तो ये फ्लैग जैसा एक पैटर्न बन गया, यानी कि इंट्राडे बेसिस पे ये फ्लैग जैसा पैटर्न बन गया। हमारे प्रीवियस डे में इसको ब्रेकआउट भी हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप आज की कैंडल देखेंगे तो एग्जैक्टली फ्लैग का जो ऊपर वाली हमने रेजिस्टेंस लाइन मार्क की थी वहां पे एग्जैक्टली उसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई, और अपर साइड की मूवमेंट आने के बाद वो यहाँ तक मूव हो गया। जैसे कि मैंने बोला कि पीपी के ऊपर रहेगा तो बुलिश रहेगा, जो भी हमारा पहला रेजिस्टेंस है वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। इसको ब्रेकआउट देगा तो फिर हमारा टारगेट ये बन जाएगा, लेकिन कभी कभी इतना ऊपर जाता है नहीं तो हम इन बिटवीन भी उसे निकाल सकते हैं, वो पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड रहता है, राइट। तो इसे हम ये दोनों को मिलाएंगे तो फ्लैग ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट ने हमें कंफर्मेशन दे दिया। उसके बाद ये पिवट पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो जैसे कि फ्लैग हमें बाय करने के लिए बोल रहा था तो पीपी के हिसाब से भी ये हमें बाय के सिग्नल दे रहा था क्योंकि पीपी के ऊपर था, और ये जो हमारी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे भी उसने सपोर्ट लिया था। तो आप देख सकते कि इसमें यहाँ तक की मूवमेंट पहले कुछ समय में ही आ गई, राइट। तो ये हो गया फ्लैग पैटर्न और पिवट पॉइंट को कंबाइन करके। अभी उसके साथ अगर आप थोड़ा और भी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे और एक दिखेगा, और एक पैटर्न दिखेगा। यहाँ से अभी मैं मार्क करता हूँ, ये इस तरह का पैटर्न जिसे कि हम राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं, कि ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। अभी इसने पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं दिया क्योंकि हमारी रेजिस्टेंस लाइन देखेंगे तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो जो भी ये रेजिस्टेंस लिया था एग्जैक्टली हमारा जो ऊपर वाला पिवट पॉइंट है उसका रेजिस्टेंस एग्जैक्टली वहां पे है। दोस्तों थोड़ा समझ लेने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे थोड़ा ये हो रहा है लेकिन फिर भी समझ लेने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे जो पहला रेजिस्टेंस था R1, ये R1 के ऊपर जो रेजिस्टेंस था वो एग्जैक्टली हमारा जो भी राउंड शुरुआत हुआ था उसका रेजिस्टेंस है। यानी कि किस तरह से चार्ट अपने आप को वर्कआउट करते रहता है ये देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, कि यहाँ पे जब भी फ्लैग ब्रेकआउट दिया, पिवट पॉइंट को मैच किया तो उसने एक मोमेंटम दे दिया, उसी के साथ ये राउंड का जो भी ये राउंड बना था, ये राउंड का जो भी रेजिस्टेंस था पैटर्न के हिसाब से वही रेजिस्टेंस पे हमारा R1 भी आ गया, राइट। अभी देख लीजिए दोस्तों, अभी ये इस तरह से ट्रेड कर रहा है। अभी मैं थोड़ा इसे डिलीट करता हूँ अच्छी तरह से समझने के लिए। अभी यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो ये इस तरह का राउंड बन गया, राइट। राउंड बनने के बाद ये राउंड को ब्रेकआउट नहीं दे पाया, राइट। अभी देखेंगे तो ये थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है या तो करेक्ट हो रहा है, आप बोल सकते हैं कभी कभी रिट्रेसमेंट आती रहती है, इस तरह का हो रहा है। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ कि पहले उसने इस तरह का एक राउंड बना दिया, राउंड बनाने के बाद अभी थोड़ा करेक्ट हो रहा है। मान लीजिए करेक्ट होते होते वो और एक राउंड बनाएगा, अभी देखना पड़ेगा कि वो आगे जाकर किस तरह से वर्कआउट होता है, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर ये कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हो जाएगा।
यानी कि किस तरह से हो रहा है दोस्तों। देखिए, ये पहले फ्लैग पैटर्न था, इसका ब्रेकआउट हुआ, हमने प्योर पॉइंट से कंफर्म करके इंट्राडे में भी ट्रेडिंग कर ली। इंट्राडे में ट्रेडिंग किस तरह से कर ली कि ये फ्लैग का जो ऊपर वाला हमारी ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद हम बाय करते, इसके थोड़ा लो के नीचे या पीपी के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगाते और पहला टारगेट हमारा ये रहता, तो हमारा टारगेट भी हिट हुआ होता। इस तरह का इंट्राडे में भी हो गया। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय मान लीजिए कि जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक ही दिन का चार्ट नहीं देखना है, थोड़ा प्रीवियस भी देखेंगे तो और भी हमें ट्रेंड के बारे में पता लग जाएगा। तो उसके हिसाब से जब भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्लैग बन गया, फ्लैग ने बाय सिग्नल दे दिया, पीपी ने बाय सिग्नल दे दिया, हमने इंट्राडे ट्रेडिंग कर ली। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो राउंड बन रहा है, उसके बाद जो अभी थोड़ा करेक्शन हो रहा है, मान लीजिए करेक्शन होता है और यहाँ से फिर से एक छोटा राउंड बन जाता है, तो जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा राउंड बन जाएगा, एक छोटा राउंड बन जाएगा और उसमें से ब्रेकआउट होगा, तो फिर एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हो जाएगा और उसमें फिर से मोमेंटम आएगा। जो भी ब्रेकआउट रहेगा वो इंट्राडे में तो वर्कआउट करेगा ही करेगा, क्योंकि ब्रेकआउट इंट्राडे में तो वर्कआउट करते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट में प्राइस एक्शन बनता ही है, तो इंट्राडे में भी वर्कआउट होते हैं। लेकिन इसी को पोजिशनल बेसिस पे कन्वर्ट करना है तो ये कप एंड हैंडल का जो भी टारगेट रहेगा हमारा, वो भी टारगेट हमें अगर पोजिशनल बेसिस पे रखते तो वो भी मिल जाता है। तो इस तरह से हम पैटर्न, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, पूरी चीजों को मिलाकर अगर हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो हमें चार्ट का जो पूरा दायरा है उसके बारे में पता लग जाता है कि चार्ट हमें क्या बोल रहा है, और उसके हिसाब से हमें समझ में आता है कि उसमें आगे जाके किस तरह की मूवमेंट आएगी। तो थोड़ा हम अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें कंफर्मेशन भी मिलते जाता है, और कंफर्मेशन के साथ अगर हमारे कोई इंडिकेटर्स भी हमें बाय सिग्नल देते हैं, पैटर्न्स बाय सिग्नल देते हैं, उसमें हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, और उसमें मनी मैनेजमेंट के साथ अगर हम करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की संभावना हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है ये पर्टिकुलर वीडियो में मैंने जो भी बताने की कोशिश की है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, इसके जरिए आपको कुछ तो फायदा हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, एज अ डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही कंसिडर कीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।